हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है आपका, जिसका नाम है एंजॉय कर समित। तो गाइज, मैं आया हुआ था मार्केट, मुझे कुछ काम था, तो मुझे दो तीन आइटम ऐसे दिखे जो मुझे आपको लगा कि बताने चाहिए। तो सर्दियों के हिसाब से वो काफ़ी यूजफुल आइटम है, और एक टैंक बैग और है जो न्यू आया है अर्बन ट्राइब का, वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो मैं सोचा आपको दिखा दूँ वो भी। तो सबसे पहली जो चीज़ है हैंड कफ है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। कुछ इस तरीके के हैंड कफ हैं, और इनका यूज़ जो है मैं आपको एक बार बाइक पर लगा के दिखा दूँगा। इसमें आप देख सकते हैं कि आप इसको अपने हैंडल पर फिट करेंगे और यहाँ से अपना हाथ डाल के इसमें बाइक को चला सकते हैं। और आगे इसमें रेडियम भी लगा हुआ है, जिससे कि आपकी अगर लाइट पड़ती है बाइक पे तो रिफ़्लेक्ट करे, दिखे दूर से। और काफ़ी सही क्वालिटी का है, मतलब इसमें प्यू लेदर लगा हुआ है और अंदर जो है थोड़ा सा वार्म वाला मटेरियल इसमें लगा हुआ है। और इसको मैं बाइक पे रख के दिखा दूंगा आपको कैसे इसका यूज़ है। और इसको मैं बता दूँ आपको कैसे यूज़ करना है। ये जो बांधने वाला पार्ट है उसको ऐसे लगा लेना है, और इसको भी ऐसे लगा लेना है। अब हमें क्या करना है, बाइक पे बैठना है सिर्फ, और अपने हाथ इसके अंदर डाल के ऐसे चलाने हैं। आप बाई चांस सर्दियाँ हो रही है, आप कभी कभार ऐसा मन भी करता है ग्लव्स पहनने का, ना भी मन करे, अगर ग्लव्स पहनने भी हैं तो जो मैं लेदर ग्लव्स यूज़ करता हूँ उसमें काफ़ी ठंड लगती है। तो ये वाले क्या है, ऐसे आपने डालो और इससे आपका ठंड से भी बचता रहेगा, और हल्की बहुत बारिश वगैरह हो रही है तो उससे भी आपके हाथ भी बचते रहेंगे। कुछ नहीं करना, उनको यहाँ से बांध दो, ये फिट हो जाएंगे, और आपको सिर्फ हाथ डालना है और सीधा ये यूज़ करना है। सामने रिफ्लेक्टिव आपको यहाँ पे दिख रहा है कि रिफ्लेक्टिव यहाँ पे कपड़ा लगा हुआ है, जिससे कि आपकी बाइक का सामने से ये रिफ्लेक्ट भी करेगा अगर लाइट पड़ती है। और साथ में आपको दिखा देता हूँ मैं, जो मैं आपको टैंक बैग बोला अर्बन ट्राइब का, आप देखिए काफ़ी सही क्वालिटी है, और जो इसका साइज़ है वो भी जो मैंने पहले वाला टैंक बैग दिखाया था उससे मतलब कि बड़ा है। तो भाई ये बैग है, आप देखिए इसका साइज, और जो मैं अंदर से एक बार इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। बाकी ये वाला जो बैग है वो दोनों में आता है आपको, टैंक बैग ये मैग्नेटिक में मिल जाएगा, और प्लास्टिक जो टैंक होते हैं जैसे कि ड्यूक वगैरह या आरसी वगैरह, उनके लिए आपको स्टेप वाला भी मिल जाएगा जो कि नॉन मैग्नेटिक होगा। आप ये इसकी चेंज देखिए, जो अंदर का पोर्शन है वो कुछ ऐसा है, और ये भी एक्सपेंडेबल है, एक्सपेंड करके मैं दिखा दूंगा। बाकी इसके अंदर कुछ ऐसी पॉकेट्स आपको मिलेंगी, काफ़ी सही मतलब क्वालिटी है, और कलर भी ब्राइट दिया हुआ है ताकि इसमें आप सामान रखें तो आपको वो आराम से शो हो सके। और एक चैन ये साइड में है, जिसमें कि इसमें भी अच्छा खासा आपको स्पेस मिल जाता है, और सेम ही आपको ये इस साइड मिल जाएगा। एक चैन आपको ये बिल्कुल लास्ट में मिल जाएगी, और एक इसे हम बोल सकते हैं चौथ पॉकेट दी हुई है, तो स्पेस काफ़ी है, चेन्स काफ़ी दी हुई हैं, और एक चेन यहाँ पे भी है जो कि आपका पर्स या आप इसमें सनग्लासेस वगैरह रख सकते हैं। और मैं आपको एक बार इसको एक्सटेंड करके दिखा देता हूँ, तो कुछ इतना ये एक्सपेंड हो जाएगा, आप देखिए इतना इसमें और स्पेस आपको बढ़ के मिल जाएगा, और इसके अंदर कुछ इतना स्पेस आपको मिल जाएगा। बाकी ये स्टेप भी दी हुई है, अगर आपको इस पर टैंक पे मैग्नेट के साथ साथ स्टेप भी लगाने तो वो भी लगा सकते हैं, और ओपन होके आपको ये मिल जाएगा। मैं एक बार आपको इस पर बाइक पे भी लगा के दिखा दूंगा। और ऊपर एक चेन दी गई जिसमें आप अपना मोबाइल लगा के या फिर GPS यूज़ कर सकते हैं, और इसमें टच भी अच्छी तरह चल जाती है, मैंने यूज़ करके देख लिया। तो गाइस, टैंक बैग में एक बार लगा के दिखाते हूँ आपको कैसा लग रहा है। हमें जो ये अपनी स्टेपें अंदर रखनी है, और यहाँ से ये मैग्नेटिक वाले बाहर निकालने हैं, चाहे तो आप ऐसे लगा लो इस तरफ से, या फिर आपको अगर ये उल्टा भी लगाना है तो ऐसे मैग्नेट लगा के उल्टा भी लगा सकते हो। तो कुछ ऐसी लुक आएगी, और आप अपना मोबाइल चाहें तो यहाँ पे लगा सकते हैं, इस पर मोबाइल के लिए पॉकेट दी हुई है अलग से। तो अगर आप इसको बैकपैक बनाना चाहते हैं तो ये स्टेप इसकी यहाँ से निकालें, और एक मिनट के अंदर आप ये इसको बैकपैक बना सकते हैं। ये बाकी आपकी पॉकेट के अंदर भी चली जाएंगी, आप देखिए यहाँ पे पॉकेट बनी हुई है इसकी, इसके अंदर डाल दें और चारों ये अंदर चली जाएंगी। बाकी मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, ये आपका बैकपैक बन गया। तो सिंपल इसको टैंक बैग से आप एज अ बैकपैक भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ
कुछ ऐसी लुक आएगी सिंपल। और गाइज एक हेलमेट भी आया हुआ है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी बार मुझे ऐसा लगता है कि यार हाफ़ फेस हेलमेट पहनना चाहिए, और बाकी सर्दियों में जो है हाफ़ फेस हेलमेट जो है कि ठंड लगता है, क्योंकि मैं लास्ट राइड पे गया हुआ था तो उस टाइम मैं हाफ़ फेस हेलमेट पहन गया था और काफ़ी ठंड में मतलब बुरा हाल हो गया था। तो हेलमेट कुछ ऐसा आया हुआ है कि वो हाफ़ फेस भी हो जाएगा आपका, फुल फेस भी हो जाएगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और काफ़ी अच्छा ब्रांड है SMK, जो कि मैं आपको पता ही कि यूज़ भी करता हूँ। सर्दियों में जो अपने फुल फेस हेलमेट जो होते हैं उनके अंदर फोग जम जाती है, क्योंकि हम मास्क भी पहनते हैं तो पूरा का पूरा शीशा फोग में जाता है, लेकिन जो SMK है वो पिन लॉक वाइजर के साथ आता है जिसमें अंदर की फोग नहीं जमती। तो मैं SMK यूज़ करता हूँ और सेम SMK ब्रांड में मैं इसको वही आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये हेलमेट है भैया, बताएंगे इसके बारे में। ये आपका हाइब्रिड मॉडल है SMK का, अभी लेटेस्ट लॉन्च ही हुआ है, इसको आप डिटैच कर सकते हो इस साइड से, करो ये डिटैच हो जाता है, हाफ फेस भी बन जाता है, फिर डुअल वाइजर है आपका, पैडिंग सारी वॉशेबल है और स्मूथली पैडिंग है सब। बाकी अगर आपको पीक हटाना चाहो आप पीक भी हटा सकते हो, पीक के लिए ये बोल्ट्स आपके खुलेंगे तो ये नॉर्मल हेलमेट हो जाएगा। अभी ये ऑफ रोडिंग में, ये ऑफ रोडिंग में है विद लॉन्ग वाइजर, सो ओपन फेस हो गया। और प्राइस, प्राइस का 5800 है, 800 MRP है, ठीक है, विद यूरोपियन स्टैंडर्ड्स, SMK तो है ही यूरोपियन स्टैंडर्ड। अब ये पूरी पैडिंग जो है निकल जाती है, रिमूव हो जाती है, वॉशेबल है, आप अगर बाई चांस ये गंदी हो जाती है तो निकाल के इसको वॉश कर सकते हो, और आप ये जो इसका पार्ट है वो इसको लगा भी सकते हो, लगाओगे तो फुल फेस हो जाएगा और हटा दोगे तो इसको ये हाफ फेस हो जाएगा। बाकी आपके ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ये भी निकल के बिल्कुल ये जो अपने नॉर्मल हेलमेट है जो मैं यूज़ करता हूँ SMK का, बिल्कुल वैसा ये हो जाएगा। सो ये हेलमेट मैं हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ले लूँ, क्योंकि ये हाफ फेस भी है फुल फेस भी है, काफ़ी बार ऐसा ही मन करता है कि यार फोटोज़ वगैरह करवाने हैं तो ये बिल्कुल आगे से हटा दो, बस एक बटन दबाया और ये आगे का जो पार्ट है वो निकल जाएगा और हेलमेट को आप हाफ फेस यूज़ कर सकते हो। बाकी सेफ्टी आपको दिखा दिया, यूरोपियन सर्टिफाइड है और जिसको भी लेना है तो वो ले सकते हैं, बिल्कुल नया मॉडल आया है SMK का और 5800 है। बाकी आप आओगे तो मैं आपको कोड डाल दूंगा कुछ, आप वो बता के यहाँ पे डिस्काउंट ले सकते हैं। सो गाइस जो हैंडकफ का जो प्राइस है वो है 899 और जो टैंक बैग है उसका जो प्राइस है 2849। तो बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो इसका कोड दे दूंगा, अगर आप यहाँ पे आके बाय करते हैं तो वो कोड बता के आप थोड़ा सा डिस्काउंट ले सकते हैं। और आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना।